हेलो गाइस, मैं सूरज राज और आज आपके नए वीडियो के साथ आए दोस्तों। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर पर पहली बार आए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और लाइक करिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। देखिए, मैं आज आपको यहाँ बताने वाला हूँ वो है जो BA 3rd ईयर बल्कि BA 1st ईयर वालों की बात कर रहा हूँ, और यह पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड पेपर है। जी हाँ, फर्स्ट पेपर मैं अपलोड कर रखा हूँ और सेकेंड पेपर अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको यदि पूरी वीडियो में देखते रहना है। और देखिए, यदि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से हैं या फिर बिहार यूनिवर्सिटी से हैं या फिर आप फैजाबाद यूनिवर्सिटी, जिसे अब अवध यूनिवर्सिटी कहा जाता है, बरेली यूनिवर्सिटी से, कानपुर यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं, आप इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आपके सब्जेक्ट आपके जो सिलेबस में सारे के सारे ये क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप टिक लगा लो, इन क्वेश्चनों के अलावा आप कुछ और मत देखना। सारे के सारे क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में यही आने वाले हैं, ठीक है ना। तो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। देखिए, पहले क्वेश्चन को आप टिक लगा लो। और देखिए, आपको पता है अवध यूनिवर्सिटी, बरेली यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, जो क्वेश्चन हमने बताए एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। 85% की हमने वादा किया था आपको, 85% दिलाएंगे, मतलब 85% को, लेकिन पता है 90% आ रहा है, 90% फंस रहा है केवल 19 क्वेश्चनों में याद करके। जी हाँ, जो 19 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, केवल 19 क्वेश्चन याद कर लेना और 95% लाना, 90% प्लस फंस रहा है। ये देखो, इतना अच्छा रिजल्ट रह रहा है 2020 का, ठीक है ना। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। देखिए, पहले क्वेश्चन को टिक लगाना है, सभी दोस्तों को पहले क्वेश्चन पर टिक लगाना है, पहले क्वेश्चनों पर टिक लगाना है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का जो संपूर्ण अध्ययन करना होगा, पहला क्वेश्चन को आपको टिक लगाना है। BA 1st ईयर वालों, पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट सेकेंड ईयर का जो सेकेंड पेपर है, मतलब फर्स्ट ईयर का पॉलिटिकल साइंस का जो सेकेंड पेपर है उसकी बात कर रहा हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहा हूँ, संपूर्ण अध्ययन बताना है। तो क्या पहला क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को टिक लगा लो अपने बुक में, अपने नोट्स में, जो भी है। उसके बाद में दूसरा आपको जो क्वेश्चन याद करना है वो पढ़ना है, गांधी द्वारा चलाए गए जो सर्वज्ञ आंदोलन था, ठीक है ना, उसको अवज्ञा आंदोलन था जो, ठीक है ना, उसको आपको याद कर लेना। उसका निबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा आपको याद करना पड़ेगा। जो अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी द्वारा, वो क्या चलाएगा, कब चलाएगा था, क्या हुआ था, ये सारी प्रोसेस देखना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन देखना है वो होता है मौर्यविले। जी हाँ, मौर्यविले का जो मिंटो सुधारों का जो मुख्य विशेषता थी वो क्या थी, आपको बता देना है, ठीक है ना। जो याद रखना, मिंटो की जो सुधारों व्यवस्था थी उनके और के साथ साथ लाभ और हानि भी देखना पड़ेंगे आपको, लाभ और हानि भी देखना पड़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के उद्देश्यों का वर्णन करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा कि भारत में राष्ट्रवाद के जन्म का विकास कब हुआ है, कैसा हुआ है, ये देखना पड़ेगा। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो संविधान द्वारा जो संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ है, उसके प्रमुख जो स्रोत हैं उनका वर्णन करना है, उनकी भूमिका के बारे में देख लेना है, ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको याद करना है वो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता को आपको देखना पड़ेगा, 2020 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ये बात करूँ तो भारतीय संविधान में मौलिक जो अधिकार हैं उनकी भूमिका को आपका वर्णन करने का, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार क्या क्या हैं वो आपको देखना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो 2017, 18, 16, 15 में बहुत बार, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं। देखिए, हमारा यूट्यूब चैनल पेपर है करके 18 से 19 क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट देता है, बाकी जो वो जो क्वेश्चन और की बात करूँ तो वो अलग होते हैं, ठीक है ना। और आपको याद रखना है कि जो गैस पेपर में क्वेश्चन होते हैं वो लगभग बहुत ज़्यादा होते हैं, वो 30+ होते हैं, लेकिन जो हमारा यूट्यूब चैनल पेपर है कर देता है वो ओनली आपको 20 क्वेश्चन ही देता है, 18 से 20 क्वेश्चन देता है, ठीक है ना, ठीक है ना। आप समझ में आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना, इन क्वेश्चनों को याद कर लेना, बाकी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको 85% वहाँ से प्लस हो जाएगा। और यार, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो बता रहे हैं वो सारे के सारे एग्जाम में फंस रहे हैं यार। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो। हाई स्कूल में आपका भाई, इंटर में कोई आपका भाई, या फिर BA BSc में या फिर BCom में भी है तो उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं डेली बाई डेली, तो उनको रिविजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, उन क्वेश्चनों को बस याद करना है, बाकी कुछ भी नहीं देखना है। तो यहाँ देखिए, मैं बात कर दूँ भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार को, नीति, देखिए भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत की आपको आलोचना करनी पड़ेगी, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करूं तो आपको यहां देखिए, यहां जो बोल रहा है कि भारत, देखिए भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है आपको ये बताना है, और संकटकालीन शक्तियों की व्याख्या कैसे करेंगे राष्ट्रपति कालीन के लिए, ठीक है। और यहां देखिए बात करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है वो है भारतीय प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री, ठीक है ना, मंडल है, मंत्रिमंडल है, उसकी टिप्पणी लिख देना है। साथ ही साथ में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि भारत में देश में राज्यपाल की शक्ति और कार्यों की विवेचना करनी पड़ेगी। भारत में जो राज्यपाल होते हैं अलग अलग राज्यों में, ठीक है ना,
राज्यपाल होते हैं उनकी जो शक्ति क्या है, उनके कार्य क्या है वो बताना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको ये भी क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि भारत में जो पंचायती राज संगठन है उसको आपको देखना पड़ेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अब आ जाते हैं शॉर्ट इंट्रो क्वेश्चन पर, इन पर भी देख लीजिए। यहाँ देखिए एक नज़र में देख लेते हैं कि स्थायी जो स्वशासन है उससे आप क्या समझते हैं, और स्थायी जो स्वशासन लोकतंत्र के आधार पर स्पष्ट करना पड़ेगा आपको। जी हाँ, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। साथ ही साथ आपको जो उदारवादी की विशेषता क्या होती है, ठीक है, बंगाल विभाजन कैसे कैसे हुआ था, ये देखिए। पॉलिटिकल साइंस में जब पॉलिटिकल साइंस में जाते हैं तो ये सब कुछ बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ क्वेश्चन ही ऐसा, ये जब सिलेबस ही ऐसा है जिसमें ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं मोस्ट है यार। ये एक बार पढ़ने की जरूरत होती है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ देखिए, यहाँ बोला है जो आपका है, देखिए यहाँ सेलेट जो अधिनियम है उसकी जो चौड़ा जो चोरी चोरा कांड हुआ था, अधिनियम बाद चोरी चोरा कांड हुआ था वो आपको बता देना है। साथ ही साथ भारत के जो धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं उनके आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बस लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना। जी बस आपको इतना क्वेश्चन याद करना है, बाकी कुछ भी एक क्वेश्चन भी जो एक्स्ट्रा मत देखना, वो पेपर देने जाओगे और जो बताया वो सारा का सारा पेपर में पाओगे। सच बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। पहले बता रहा हूँ, दोस्तों को शेयर जरूर करना पड़ेगा इस वीडियो में, और व्हाट्सअप में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करिए, व्हाट्सअप में कमेंट कर दीजिए, मैं वहाँ भी आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है, और देखिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं आप, उसका मतलब नहीं होता, फ़र्क इतना है कि आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आपका सिलेबस। देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी, एक या दो यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसका सिलेबस थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। जी हाँ, बाकी कुछ भी नहीं, आपको बस याद करना है, पेपर देने चले जाना है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना। हाई स्कूल, इंटर, बी ए, बी एस सी में और बी कॉम में भी आपका कोई दोस्त वगैरह सब में है तो आप तुरंत पेपर हैकर यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए। ट्रिपल सी का एग्जाम देने वाले हैं तो आप ट्रिपल सी के, अभी आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर हैकर यूट्यूब चैनल। यदि फिर आप और बीटीसी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, उनके लिए भी हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन देंगे। बहुत सारे जितने भी सिलेबस सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया करेंगे। तो वीडियो को पसंद आए लाइक एंड शेयर करिए। गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलता है, तब तक के लिए गुड बाय। यही याद करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो हम आपको लेके आ रहे हैं। जी हाँ, सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर जो आपको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहे। गुड बाय।